जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लर्न कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। आई होप आपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सारी अपने नोटबुक में यानी कि क्वेश्चन आंसर और हार्डवर्ड्स नोटबुक में लिख लिए हैं, और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी MCQ फिलअप्स और वो सब कुछ आपने टेक्स्ट बुक के अंदर फिल कर लिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए अगेन हम करेंगे आज वापस से वर्डपैड। तो वर्डपैड में क्या करना है हमें, पेज नंबर 31 आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे दिया है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस जो टॉपिक है वो टॉपिक हमें वर्डपैड के अंदर टाइप करना है। ओके, टाइप करके उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग्स देना है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्डपैड स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्डपैड टाइप ओपन करके अब हम उसके अंदर टाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है यहाँ पे, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है, नो अबाउट कंप्यूटर वायरस। ओके, ये हमारा चैप्टर 3 का नाम है, नो अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। अब नीचे क्या हम टाइप करेंगे, नीचे हम टाइप करेंगे हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस। ओके, ये हो गया हेडिंग। अब उसके नीचे हमें पॉइंट्स टाइप करने हैं, इसको क्वेश्चन मार्क्स आएगा लास्ट में। ओके, तो टॉपिक क्या क्या है, डाउनलोड ओनली लीगल सॉफ्टवेयर। देखो ये हम बाद में करते हैं टाइपिंग, पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सारा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये जो चैप्टर 3 है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। आप ऐसे माउस को यहाँ पे ये वाला पॉइंटर आके क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको सिलेक्ट करके कोई अच्छा सा फॉन्ट रख देते हैं और उसकी साइज भी चेंज कर देते हैं, आपको जितनी अच्छी लगे उतनी आप रख देना। ओके स्टूडेंट्स, ओके ये हो गया। अब मैं इसको कलर भी कर देती हूँ, डन। बोल्ड से क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएंगे, ये इटैलिक कंट्रोल आई और अंडरलाइन कंट्रोल यू। ओके, हमें कंट्रोल आई नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल यू करना है। मैंने इसमें बोल्ड और अंडरलाइन दे दिया, बोल्ड मतलब बोल्ड आएगा फॉन्ट और अंडरलाइन से नीचे लाइन आ गई। ओके, तो शॉर्टकट क्या है इसके, कंट्रोल बी कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू, ये हो गया है शॉर्टकट्स। ओके, अब ये हेडिंग है, इसको अभी ये तो सेंटर में लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वर्डपैड में कैसा आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट है, फॉन्ट सारे सेंटर में आ जाते हैं और ये राइट अलाइनमेंट है। ओके, ये राइट साइड हो जाता है, हमें कौन सा रखना है, सेंटर अलाइनमेंट, और इसके लिए हमें क्या रखना है, हमें लेफ्ट ही रखना है। ओके, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम अंदर टाइपिंग करते जाएंगे। ओके, तो हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस, सबसे पहले है डाउनलोड ओनली लीगल सॉफ्टवेयर। तो क्या लिखेंगे, डाउनलोड ओनली लीगल सेकेंड वन क्या है, डोंट ओपन एनी अननोन मेल, डोंट ओपन एनी अननोन
मेल, डोंट ओपन एनी अननोन मेल. थर्ड है हमारा डोंट ओपन, सॉरी हाँ थर्ड है डोंट ओपन एनी ईमेल. पेज नंबर 31 पे है स्टूडेंट्स, डोंट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेस. नेक्स्ट है डोंट डाउनलोड म्यूजिक प्रोग्राम्स, म्यूजिक प्रोग्राम और गेम्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस. On the internet. Next है install an antivirus program. Install an antivirus program in your सिस्टम. तो ये हो गए सारे हमारे डेटा टाइप जो हमें करना था, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम अ वायरस. अब ये हेडिंग है तो इसको कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट की साइज भी थोड़ी अलग से और साइज भी चेंज. ओके, जो भी आपको पसंद हो रख देना. ओके, ये हो गया हमारा हेडिंग. अब इसको हाईलाइट भी कर देते हैं हेडिंग को, यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी कलर आप दे सकते हो. ये हो गया हाईलाइट. ओके, यहां से कहां से किया हाईलाइट, यहां से वापस से इसे सिलेक्ट करेंगे माउस से और फिर यहां से कोई भी एक कलर ले लेंगे. हो गया हाईलाइट. ओके, अब ये जो हमारे सारे ऑप्शंस है इसको मुझे फॉन्ट चेंज करने हैं पहले. तो यहां से वापस से कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छे वाले जो भी आपको पसंद हो वो कोई भी एक फॉन्ट ले लो, जैसे कि ये जो भी आपको पसंद हो ले लेना. ये नहीं अच्छे लग रहे, दूसरे ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है. दिस वन. ओके, ऐसे कोई भी फॉन्ट आप ले लेना जो भी आपको पसंद हो और फिर उसकी साइज चेंज कर देना. ओके, अब देखो यहाँ पे इसके आगे मुझे नंबरिंग्स, ये बहुत लाइट दिख रहे, शायद आप लोगों को वीडियो में ना दिख रहे, तो मैं चेंज कर देती हूँ फॉन्ट, क्योंकि वीडियो में भी दिखने चाहिए ना अच्छे से फॉन्ट. फिर ये ले लिए मैंने. ओके, अब इसके आगे नंबरिंग देना पड़ेगा मुझे, इसमें सारे लाइंस लिखी है तो उसके आगे नंबरिंग भी चाहिए ना. तो ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो बुलेट्स एंड नंबरिंग है उसमें से नंबर्स ले लो. डन, नंबर्स लेने हैं तो नंबर्स, ऐसे वाले एबीसी लेना है तो एबीसी, फिर कैपिटल एबीसी जो पसंद आए वो आप ले सकते हो. रोमन नंबर्स 1 2 3 दिख रहा है आपको. ओके, यहाँ से आप ऐसे वाले रोमन नंबर्स भी ले सकते हो. डन, कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. मैं अभी इसमें 1 2 3 रख देती हूँ. ओके, तो ये हो गया हमारा नंबरिंग्स. नंबरिंग्स नहीं देना है, सिर्फ बुलेट देना है. तो ये है बुलेट, तो ये बुलेट आ गया. ओके, अब इसके नीचे कुछ भी हम टाइप करेंगे तो सिर्फ हम एंटर देंगे तो अपने आप बुलेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर भी अपने आप आ जाता है. ओके, अभी देखो ये सारी लाइंस के बीच में स्पेस कितनी है, ऑटोमेटिक इतनी स्पेस है. आपको ज्यादा स्पेस देनी हो तो वापस से सिलेक्ट करके ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लो. देखो अभी कितनी सारी लाइन आ गई, 2 इंच की सबके बीच में आ गई है ना. ये 1.5, ये 1 एंड 1.15, ये सारी लाइन स्पेसिंग है और ये सिर्फ 1 की है ना. आपको जितनी भी रखनी हो उतनी आप लाइन्स रख सकते हो. ये इसमें अभी कुछ भी लाइन स्पेस नहीं है, वापस से सिलेक्ट करके थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग दे देते हैं. तो यहाँ से मैं अभी 1.5 की लाइन स्पेसिंग दे दी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग. अभी देखो मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. वो इसके अंदर नहीं आता है चैप्टर के अंदर, बट मैं ऐसे ही आपको सिखाती हूँ. साइंस में और उसमें मैथ्स में और उसमें भी होता है. जैसे कि हमें लिखना हो H2O, आपके साइंस में आता है ना H2O EVS में,
तो ये जो टू है उसको नीचे लिखना है, ये टू को। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन सबस्क्रिप्ट, देखो टू नीचे आ गया। आपने देखा होगा कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है ना, ये एच टू वो लिखना होता है, तो टू को हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट करना पड़ता है, तो वो टू नीचे आ जाता है। वापस से निकाल देंगे तो वापस जैसा था वैसा दिख रहा है आपको। ये फॉन्ट की साइज में थोड़ी बड़ी कर दूं। ओके देखो ये टू अभी कैसा है, नॉर्मल है। इसको सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं उसको सब्सक्रिप्ट कर दूंगी। तो देखो टू नीचे आ गया, साइंस की लैंग्वेज में लिखते हैं ना वैसा हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर स्क्वायर लिखना हो, टू का 10 का स्क्वायर 2 लिखना है, तो टू को ऐसे सिलेक्ट लिख के सिलेक्ट कर लो टू को। ओके और फिर सुपरस्क्रिप्ट तो ऊपर आ जाएगा। ओके सबस्क्रिप्ट से नीचे आएगा और सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर आएगा। आप ये दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, दोनों की। डन। ओके और यहां से आप देखोगे ये साइज चेंज करने के लिए एक और ऑप्शन है। आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से ये साइज बड़ी हो रही है और बाजू वाला साइज से उससे साइज स्मॉल होती है। क्लियर। साइज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए श्रिंक फॉन्ट, ये है श्रिंक फॉन्ट और ये है ग्रो फॉन्ट। इससे फॉन्ट बड़े होते हैं और इससे फॉन्ट छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट आ गया समझ में आपको। ओके डन। तो आज आपको ये इतना प्रैक्टिस कर लेना है, पैराग्राफ टाइप करना है ये वाला, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरस, और ऐसे बुलेट्स एंड नंबरिंग्स दे देना है, फिर ये दोनों ऑप्शन ट्राई करना है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये एक और ऑप्शन है देख लो आप, स्ट्राइक थ्रू, ये सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन, इट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। ऊपर लाइन आ जाएगी, देखो आगे लाइन, कुछ भी ऐसे करेक्ट करने के लिए, हमें इनकरेक्ट करने के लिए लाइन करनी हो ना, तो ऐसे आप कर सकते हो सिलेक्ट करके लाइन। ओके इट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू, निकाल देती हूँ मैं अभी। ओके स्टूडेंट तो इतना आपको कर लेना है और इसके बाद आप फाइल सेव कर लोगे। सेव करके उसका नाम क्या दोगे, उसका नाम दोगे चैप्टर 3। डेस्कटॉप पे सेव कर लोगे और नेम दोगे चैप्टर 3 प्रैक्टिकल। डन सेव। अब इसको बंद कर देती हूँ मैं। यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया चैप्टर 3 प्रैक्टिकल। ओके अब आप इतना सारा आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स बाय।